ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर वन हो गया था अपना, एएसटी और एएससी हमने निकाल लिया था. क्वेश्चन नंबर टू होने का था. ओके, क्वेश्चन नंबर टू होने का था, दैट इज क्वेश्चन नंबर टू. सो क्वेश्चन नंबर टू क्या बोला है गाइस यहां पर? अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 8 मीटर इफेक्टिव स्पैन इज गिवन. आरसीसी रेक्टेंगुलर बीम ऑफ 300 mm इंटू 500 mm ओवरऑल, यानी ओवरऑल डेप्थ इज गिवन. ओके, द सेक्शन रेनफोर्स विद 4 numbers ऑफ 25 mm बार एट एन इफेक्टिव कवर ऑफ 37.5 mm टेंशन साइड. ओके, टेंशन साइड आपको देखिए, M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, Fe415 स्टील. M25 ग्रेड कॉन्क्रीट है और Fe415 स्टील है. 2 bars ऑफ 16 mm डायमीटर यूज्ड इन कॉम्प्रेशन स्टील. इफेक्टिव कवर कॉम्प्रेशन के लिए कितना देखे है? 50 mm देखे. ओके, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंसिडरेड FSC, इट इज इक्वल टू 0.8566 FY. तो आपको FSC की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ FY में 415 आप यहाँ पे इंटू कर दोगे तो आपको FSC एक मिल जाएगा. ओके, FSC एक आपको मिल जाएगा गाइस. ओके, द नेक्स्ट, सुपर इम्पोज लाई लोड द बीम कैन कैरी गैमा F, इट इज इक्वल टू एज 1.5. डेड लोड एंड लाई लोड कॉम्बिनेशन इज, डेड लोड एंड लाई लोड कॉम्बिनेशन इज, ये आपको पूछा है. क्योंकि डेड लोड और लाई लोड का कॉम्बिनेशन आपको पूछा है कि डेड लोड कितना है और लाई लोड कितना है, वो आपको कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको पूछा है. ओके, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको पूछा है, तो वो अपन सॉल्व करके देखेंगे अभी कि क्या है करके. ठीक है, ठीक है, आओ बोर्ड पे देखते हैं. आठ मीटर का स्पैन है. क्वेश्चन नंबर टू, पेज नंबर 19. एट मीटर लेंथ, डेड लोड प्लस लाई लोड आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है. डेड लोड भी फाइंड करना है और लाई लोड भी फाइंड करना है, दोनों फाइंड करने हैं आपको. ओके, और अल्टीमेट मोमेंट ऑफ एमआर आल्सो फाइंड. वी वांट टू फाइंड एमआर, वी वांट टू फाइंड डेड लोड एंड लाई लोड आल्सो. ओके, इतना देखिए. सो क्या क्या देखिए वहां पे सेक्शन के, क्या क्या देखिए सेक्शन, देखिए आपका 300 by 500. यस, 300 by 500. ओके, 300 by 500. हियर इज टू नॉज ऑफ 16 mm फायर, टू नॉज ऑफ 16 mm फायर, यानी 201 एरिया एंड 4 नॉज ऑफ 25 mm फायर, आई थिंक सो. हाँ यस, 4 नॉज ऑफ 25 mm फायर. यहाँ पे इफेक्टिव कवर आपको देखिए 37.5 और यहाँ पे इफेक्टिव कवर देखिए आपको 50. दैट टू इफेक्टिव कवर इज गिवन. व्हाट इज द डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ 500 माइनस 37.5 फोर 63.62.5 ना, 462.5, that is nothing but a effective cover, effective depth. Okay, effective depth. दिख रहा है ना इधर का? Okay, effective depth. So D is equal to effective depth 462.5. That is nothing but a D dash is given. D dash is given. What is AST? Four
4-4 गेट कैंसिल। ASC 1963.495। ASC it is equals to 16 square 2 naught sorry 4 naught into 2 2 bar sir 402.12 ओके सो इतना सब कुछ देखिए अभी आपको आपको निकालना क्या है MR निकालना है। MR निकालने के लिए पहले ये डबली रनफोर्स सेक्शन है या सिंगली रनफोर्स सेक्शन है वो देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली डबली का कैलकुलेशन कर रहे तो डबली रनफोर्स सेक्शन है। अब आप ये बोलेंगे नहीं चेक तो करना पड़ेगा ओके ऊपर बार आप ऐसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं सो आपको चेक तो करना पड़ेगा। सो कैसे चेक करोगे हाउ डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन ओवरऑल डेप्थ आपको तो देखे है ओवरऑल डेप्थ आपको देखे है ओके ओवरऑल डेप्थ आपको देखे है आपको क्या निकालना है बीम निकालना सो दैट्स व्हाई वी टेक इट डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन क्योंकि आपको एएससी भी देखे और एएसटी भी देखे है आपको लोड देखेगा कुछ लोड ही निकालना है फाइंड आउट करना है लोड ही फाइंड आउट करना है दैट्स व्हाई मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे पहले क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एंड एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेना पड़ेगा। After that, critical neutral axis, actual neutral axis. See, critical neutral axis पे निकाल सकता और actual neutral axis भी मैं निकाल सकता। Okay. तो W reinforce मैं क्यों ले रहा? क्योंकि दोनों जगह ऊपर और नीचे bars देके और आपको load देके नहीं है। आपको कोई load देके नहीं है। वो load ही आपको find करना। अगर आपको load देके रहता था, तो MR acting, यानी जो भी moment acting है, moment acting to the that moment singly reinforce, यानी singly इसका singly reinforce beam का, यानी आपका MR balance आप निकाल लेते थे MR balance is less than M acting अगर रहता था तो मैं W reinforce के लिए जाता था depth is restricted लेकिन अभी मुझे acting ही moment नहीं है तो मेरा line of action क्या रहेगा मेरा line of action सीधा सीधा रहेगा अगर acting moment मेरे पास नहीं है acting moment मुझे MR निकाल के मुझे acting moment निकालना है कि acting कितना रहेगा और कितना मैं load लगा सकता करके like maximum load मैं लगा सकता ये section पे ये अगर reinforcement मैं provide कर रहा हूं तो ओके ये एनफोर्समेंट अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सेक्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मुझे निकालना है। सो सीधी सीधी बात है कि आपको क्या देखे सेक्शन देखे डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन देखे डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन देखे तो वो डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन से आपको MR के लिए जाना है MR फाइंड आउट करना है। तो हाउ कैन यू डू दिस MR फर्स्टली वी फाइंड आउट XU फर्स्टली वी फाइंड आउट XU एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ओके फर्स्ट वे फाइंड आउट XU एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब गेट के लिए जब आप जाते हैं तब डिजाइन कांस्टेंट लिखने की जरूरत है क्या नहीं डिजाइन कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है जब आप गेट के लिए यानी ये करते सॉल्व करते तब डिजाइन कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन जब आप सॉल्व करते काय के लिए आपके यूनिवर्सिटी के लिए सॉल्व करते तब डिजाइन कांस्टेंट लिखने की जरूरत है ओके गेट के लिए जब आप सॉल्व करते तब डिजाइन कांस्टेंट्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है ओके सो डायरेक्टली मैं क्या निकाल सकता एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस उल्टा हो गया क्या रे वन
एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस सी वन प्लस सी टू इट इज इक्वल टू टी. वॉट इज सी वन? 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू प्लस एफ एस सी माइनस 0.45 एफ सी के इंटू ए एस सी दैट इज सी टू. दैट स्ट्रेस इंटू एरिया इट इज सी टू. दैट एवरेज स्ट्रेस इंटू एरिया इट इज सी वन. इट इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी दैट इज टी. वॉट इज एफ एस सी? एफ एस सी इट इज इक्वल टू 0.88 समथिंग कुछ तो भी देखे है ना. 0.85666 एफ वाई 0.8566 इंटू 415. वॉट इज एफ एस सी? 415 ही है ना, 415 ग्रेड. एंड एम ट्वेंटी, एम फिफ्टी, एम 25 कॉन्क्रीट है. हाउ मच दिस वैल्यू? हेलो, थ्री फाइव फाइव पॉइंट फोर एट नाइन 355.489 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर और एम पी 0.36 इंटू 25 इंटू बी, बी इट इज 300. एक्स यू वी वॉन्ट एक्स यू, ओके. एफ एस सी 355.489 की 485 0.45 एफ सी के ए सी ओके 0.87 एफ आई एस टी यहां पे लिखा मैंने. व्हाट इज एक्स यू? That is actual neutral axis. Then we go to the second critical neutral axis. How much actual and critical? Using the gate calculator, okay, please. यहाँ पे आप ये calculation करो, इसमें से minus करो, then we do this calculation and then divide. Time लगेगा gate calculator से करने के लिए. Use gate calculator. समझा ना ये कहां से फॉर्मूला आया? तो कोई ऐसी तो नहीं हुआ ना फॉर्मूला. सी वन प्लस सी टू इट इज इक्वल टू टी. मैं भी गलतियां कर सकता तो आप मुझे गलतियां जो भी हो रही उस पर आप बता सकते कि सर यहाँ यहाँ पे गलती हुई है आपकी, और मैं जानबूझ के भी करूंगा आरसीसी में. प्लीज जल्दी बताओ, अपने को फ्लिंज बीम के लिए भी जाना है फिर.
फ्लेंज बीम इज नथिंग बट अ टी बीम. XU max 222. And this two one one point two nine is less than XU max under reinforced section. Use XU for MR calculation. XU is less than XU max under reinforced section. Hence, use XU for MR calculation. यहाँ पे एक याद रखना, MR calculation जो भी lesser XU है LSM में वो लेना, WSM में जो actual neutral axis है वही लेना है MR calculation में. Okay, ये आप लगे तो मैं बहुत बार बताया ये मैंने तो भी आप ले लो, ये कर लो. X less वाला MR कैलकुलेशन में लेना. ओके, MR कैलकुलेशन में लेना LSM में, LSM में डायरेक्टली. ओके, एंड एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो भी X रहेगा, दैट इज नथिंग बट XU. ओके, XU जो भी ये रहेगा, X एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एक्सिस ही MR कैलकुलेशन में लेना. कहां पे? WSM में. WSM में सिर्फ और सिर्फ X ही लेंगे, वो छोटा रहो बड़ा रहो, अंडर रेनफोर्स रहो ओवर रेनफोर्स रहो, ओनली X. वी आर द इंटरेस्टेड अबाउट द ओनली X. यहां पे LSM में जो छोटा रहेगा वो लेंगे. छोटा कौन है अभी? XU is smaller. That's why we take an XU. Okay. So, third. MR calculation. MR calculation is equals to C1L1 plus C2L2. ओके, सो पहले C1L1 लिख लेते हैं. C1L1 दैट इज L1, दैट इज C1 प्लस C2L2. C2L2. It is equals to 0.36 FCK B into XU 211.29 into D. D it is 462.5 minus 0.42 XU 211. इसको मैं नीचे ही लिखता बेटर रहेगा. एंड टू डी 462.5 माइनस 0.42 211.29 प्लस
FSC it is equals to 355.489 minus 0.45 या फिर 446 भी ले सकते हैं आप. ओके 45 एफ सी के 25 इंटू 402.12 इंटू डी माइनस 462.5 माइनस 50 डी डैश इज नथिंग बट अ 50. व्हाट इज एमआर? व्हाट इज एमआर? आराम से निकालो, घाई नहीं है. गलत नहीं होने को ना. यहाँ पे मैं एक और एक चीज बता रहा आपको, जब आप गेट के लिए सॉल्व करोगे तब आप ये जो कैलकुलेशन है ट्वाइस चेक करना. अपन थोड़ा गड़बड़ में रहते इसलिए यहाँ पे आपका एक 25 छूट जाएगा या फिर 0.36 छूट जाएगा. पहला तो वैल्यू नहीं छूटे लेकिन 25 छूट जाएगा या फिर 211.29 ये छूट जाएगा. ये छूटने वाली चीजें जो है ना ये होती है. सो ट्वाइस चेक करना कैलकुलेशन जब कर रहे तब. ओके कहाँ पे? गेट कैलकुलेटर के. इसमें उसमें अपन ये नहीं रिटर्न नहीं जा सकता है. दैट्स व्हाई वो गलतियां होती है. मेरे साथ हो रही है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ. ओके करो गाइस सॉल्व, तब तक मैं बैटरी चेंज करता. बताओ क्या है एमआर? व्हाट इज एमआर? What is moment of resistance, guys? हिता टाइम 270.323. ओके न्यूटन मीटर. ओके सो दैट इज एमआर. एक अल्टीमेट मोमेंट आपका भी ये निकल गया. तो अल्टीमेट मोमेंट मैं अभी यहां पे लिख सकता. (270.323 kN into meter)
Okay, we want to calculate this dead load and live load. So which dead load and live load they are asking? Okay, working or ultimate? Superimposed live load has been carried by with dead load and live load combination. Use density of concrete is equals to 25. डेड लोड और लाई लोड दोनों आपको पूछा है और गामा एफ आपको देखिए ये तो सुपर इम्पोज लाई लोड एंड डेड लोड कैरी ऑन द बीम ऐसी आपको पूछा है कैरी ऑन द बीम. सो गाइस दैट इज गामा एफ इज गिवन. गामा एफ इज गिवन यानी आपको वर्किंग लाई लोड और डेड लोड आपको पूछा है. वर्किंग लाई लोड एंड डेड लोड द कॉम्बिनेशन इज डेड लोड एंड लाई लोड. कॉम्बिनेशन इज डेड लोड एंड लाई लोड दे आर आस्किंग. ओके सो सबसे पहले वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिख लो. वर्किंग और सर्विस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR upon gamma F. So that is M it is equals to MR upon gamma F it is equals to 270.323 divided by 1.5. How much? ये आपका एक अल्टीमेट मोमेंट का आंसर हो गया. ओके अल्टीमेट मोमेंट का आंसर हो गया. अभी ये वर्किंग मोमेंट मैं निकाल रहा. दैट इज नथिंग बट अ वर्किंग मोमेंट और सर्विस मोमेंट. 113.548 किलो न्यूटन इंटू मीटर. वी नो दैट मोमेंट इज इक्वल टू फॉर दिस सिंपली सपोर्टेड बीम डब्ल्यू एल स्क्वायर एल इफेक्टिव स्क्वायर बाय 8. एंड व्हाट इज द लोड कॉम्बिनेशन फॉर सर्विस डेड लोड प्लस लाई लोड. लोड कॉम्बिनेशन फॉर सर्विस इट इज इक्वल टू गाइस डेड लोड प्लस लाई लोड. लोड कॉम्बिनेशन फॉर सर्विस. डेड लोड प्लस लाई लोड इज इक्वल टू डब्ल्यू. सो वी वॉन्ट फर्स्ट डब्ल्यू. So 113.548 it is equals to that moment is equals to W L effective square by 8. 8 to cancel divided by 8. What is W? Fourteen point one nine kilonewton. That 14.19 kilonewton. It is equals to dead load plus lie load. We know the dead load of beam. Density of concrete is given into B into D. That is kilonewton per meter. So kilonewton per meter intensity is given. So 25. Into 0.3 into 0.5. What is dead load of beam? ये actually आपको combination ही पूछा था. यहाँ पे आपका answer खत्म है. Answer ये है आपका 14.19 जो fill in the blanks में है. Load combination पूछा है. Live load plus dead load. Live load plus dead load it is equals to 14.19. That is the answer. मैं इसके सामने भी आपको सॉल्व करके दे रहा कि डेड लोड कैसे निकलता है और लाई लोड क्या है. अगर आपको लाई लोड पूछा है तो लाई लोड सुपर इम्पोज लाई लोड अगर पूछा है तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्या पूछा है सुपर इम्पोज लाई लोड प्लस डेड लोड पूछा है यानी कॉम्बिनेशन पूछा है आपको तो दैट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन. दैट इज आंसर. ओके फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है. सॉरी 18.82 आंसर दिया हुआ है इसमें. क्या 18.82 आंसर दिया है. 18.82
सर वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 180.21 आ रहा। लाई लोड तो दिलेला आहे का आंसर मग? एक मिनिट, किती येत आहे ते वर्किंग मोमेंट चं? सर 180.21 येते ते। ओके 180.21 येत आहे का? हे डिवाइड बाय 1.5 केल्यानंतर सर 180.21। ओके 180.21, 180.21 हाउ मच दिस? 180.21 डिवाइड बाय 8 22.52। आपको क्या पूछा है? सुपर इम्पोज लाई लोड ऑन द बीम पूछा है। ओके, सुपर इम्पोज लाई लोड ऑन द बीम ये पूछा। मैं लाई लोड प्लस डेड लोड कॉम्बिनेशन ये कर रहा था, ठीक है। सुपर इम्पोज लाई लोड ये आंसर नहीं है आपका, आपको सुपर इम्पोज लाई लोड पूछा है ऑन द बीम, ये आपको फाइंड करना। सो 22.5, सो दैट इज डेड लोड। व्हाट इज डेड लोड नाउ? 18.875 ना? 75 सर ओनली। 75 यही आंसर है। 18.82 वाला है, ठीक है, इट्स ओके। 18.75 आया आपका, दैट इज नथिंग बट 18.75। ओके, अब अगर फिक्स टू में, अगर वहां पे अगर इन्होंने बोला था फिक्स टू या फिक्स थ्री में, तो अपन यहाँ पे अगर फिक्स टू और फिक्स टू में अगर करते थे तो 18.82 भी आंसर आ सकता था। सर अशा क्वेश्चन साठी ऑप्शन दिलेले नाही रात का? नाही, फिलिंग द ब्लँक्स वाला ऑप्शन असतो डायरेक्टली, फिलिंग द ब्लँक्स वाला डायरेक्टली ऑप्शन असतो, ठीक आहे। तर नियर अबाउट आन्सर पाहिजे राहते, ते एक रेंज राहते, त्या रेंज मध्ये आन्सर पाहिजे राहतात, तर आपला रेंज मध्ये आन्सर आहे। ओके ओके, दैट इज लाई लोड। लाई लोड पूछा है, लाई लोड अपन ने निकाल लिया। ओके, दैट इज टोटल लोड। ओके गाइस, सो नेक्स्ट गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस है ना, फ्लेंज फ्लेंज बीम के लिए जाते हैं। कॉलेज है क्या आपका? कॉलेज है क्या आपका? सर अच्छा ठीक है, अपन फ्लेंज बीम फिर कर लेते हैं, एक मिनट।